हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनीता एट एचएम ट्रेनिंग्स। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और अपने सारे व्यूअर्स का और सब्सक्राइबर्स का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ और थैंक यू बोलती हूँ। आप लोगों ने मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब किया और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लोगों को उस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, इफ़ यू हैव लर्न समथिंग दैट इज बेटर देन लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। आप लोग की कुछ क्वेरीज हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है, सो जस्ट एक्सक्यूज मी। आज मैं आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि आपका होटल में, हॉस्पिटल्स में, ऑफिस में, कहीं भी आप वर्क प्लेस में जाते हैं, विच इज़ वेरी यूजफुल। इवन इफ यू आर स्टडिंग इन स्कूल्स, दिस इज़ वेरी वेरी यूजफुल। एंड दिस इज़ ग्रूमिंग। ग्रूमिंग जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को शो करती है। ग्रूमिंग क्या होती है कि आप कैसे दिखते हैं, हमारी जैसी भी शक्ल है, हमारा फेस है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, वो तो ऊपर वाले की देन है, ठीक है। पर आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो, आप कैसे पहनते हो, कैसे अपना हेयर स्टाइल रखते हो, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो आज जो मेरा सेशन है वो छोटा सा है, विच इज़ ऑन ग्रूमिंग। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप प्रोफेशनल हो एंड सपोज इफ यू आर वर्किंग समवेयर, तो आपको एक स्टाइल होता है जो कॉमन होता है। आप जिस जगह पे काम करते हैं वहाँ की यूनिफॉर्म्स अलग हैं, उसका स्टाइल अलग है, लेकिन एक स्टाइल जो है वो कॉमन होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम क्या कैरी करते हैं, हम क्या कपड़े पहनते हैं। जो भी हमारी यूनिफॉर्म है उसको हम प्रॉपरली कैरी करते हैं। कोई भी हम स्ट्रॉन्ग परफ्यूम नहीं डालते, हल्का सा डियो या फ्रेग्रेंस हम अपने ऊपर लगाएंगे। टैल्क अगर हम पाउडर डालते हैं तो वो पाउडर दिखना नहीं चाहिए। हमने अगर कोई इनर्स पहने हैं वो हमारे इनर्स दिखाई नहीं देने चाहिए। अगर हमने कोई धागा बांध रखा है या कोई राखी बांध रखी है, घड़ी के अलावा आपका कुछ भी शो नहीं होना चाहिए। तो आज मैं छोटे छोटे से टिप्स दूंगी। मैं पहले आपको लेडीज़ की ग्रूमिंग के बारे में बताऊंगी। इफ़ यू हैव अ लॉन्ग हेयर्स तो आपको बालों को अपने टाई करना पड़ेगा लाइक दिस। सी देयर बंस, पीछे से दिखाओ अपना लाइक दिस, ठीक है। इफ यू है आर मेल, आप अगर लड़के हैं तो आपको हेयर का एक प्रॉपर कट होता है, वो शंकी पंकी या कलम नहीं, तो मेल्स का कट शुड बी लाइक दिस, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर फीमेल एंड अगर आपको कुछ मेकअप पहनना है हल्का सा, तो आपको क्या पहनना होता है, छोटे से इयररिंग्स होते हैं लाइक दिस, सी द इयररिंग्स। बॉयज शुड नॉट हैव एनीथिंग, बॉयज आई में देखिए उसके कान में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, लाइक दिस। अगर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको मेकअप पहनना है तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाती हूँ। जैसे ये लिपस्टिक है, ठीक है ना, दिस इज अ डार्क कलर लिपस्टिक विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल दिस वन, ये आप अपने ऑफिस में नहीं पहन सकते। अगर सपोज आप लिपस्टिक नहीं लगाते हैं तो यू कैन यूज बाम, लिप बाम आप सबको पता होगा होता है, इसमें लाइट कलर लिप बाम भी आते हैं, आप वो ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप नेचुरल भी लगा सकते हैं। दिस लिपस्टिक कलर नो नो फॉर योर ऑफिशियल पर्पज, ठीक है। आपको जनरली ब्राउनिश या मतलब ऐसे कलर लेने चाहिए कि जो कि जैसे सपोज ये लिपस्टिक का कलर है, हमेशा जब भी हम लिपस्टिक खरीदते हैं हमें यहाँ पर से उसके कलर होते हैं, सो यू शुड सी द शेड, इस तरह का शेड से आपको चेक कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आपने नेल पॉलिश वेयर करनी है, यू शुड हैव समथिंग लाइक दिस नेचुरली, दिस इज नो नो। हाँ, अगर आपने पार्टी फंक्शन में कभी पहना है तो जब आप शिफ्ट में आ गए तो आप उसको उतार दीजिए। सो हाउ योर नेल्स शुड लुक, इफ यू आर अ फीमेल आपके नेल्स कैसे लगने चाहिए, और यू शुड हैव अ गर्ल और बॉय है तो कैसे होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एक तो प्रॉपर कट हो, नो बिग नेल्स, वो आप फंक्शंस वगैरह में जाते हैं आजकल तो नकली नेल भी लगा लेते हैं। नेल पॉलिश जरूर पहनी है, बट इट हैज टू बी सिंपल नेचुरल, है ना, क्योंकि आप हॉस्पिटैलिटी में काम कर रहे हैं या आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं
कि आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि यू शुड लुक गुड ऑल्सो। तो ये बहुत है। अगर हमने कोई ज्वेलरी पहनी है, तो अगर आपने मान लीजिए अंगूठी पहनी है, तो इट हैज़ टू बी सिंपल रिंग, लाइक शी इज़ वेयरिंग सिंपल रिंग, ठीक है। अगर आपने कोई कड़ा पहना है तो यू कैन हैव, अगर आपने कोई कड़ा पहना है तो यू कैन हैव बैंगल टाइप्स, ठीक है ना। अगर आप बॉयज़ हैं तो आपने घड़ी पहनी है, ठीक है ना। घड़ी नहीं है तो कई बार कोई कड़ा वगैरह भी पहना देते हैं, तो वो पतला सा छोटा सा कड़ा आप लगा गुजारे पाते हैं, वो होना चाहिए। मतलब कुछ भी जैजी नहीं होना चाहिए। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, इज योर स्माइल। जस्ट सी हाउ देयर स्माइलिंग, सी ना, दे शुड नॉट लाफ, इट हैज टू बी स्माइल। प्लस हमेशा आने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि यू आर वेलकम्ड। हाउ वी वेलकम द कस्टमर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे वेलकम हम लोग करते हैं, लाइक दिस, थैंक यू, वेलकम, यू आर ग्रीटिंग। अगर आपने बोला गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, इट मेक्स अ डिफरेंस। प्लस आपकी बॉडी लैंग्वेज, कई बार हम लोग खड़े होते हैं, लीन होके खड़े हो जाते हैं या टेढ़े मेढ़े होते हैं, हमारा बॉडी का पोस्चर कैसा होना चाहिए जब हम सर्व कर रहे हैं, कैसा होना चाहिए बॉडी पोस्चर हमको जब गेस्ट के सामने होता है। इट हैज टू बी क्रिस्प एंड यू हैव टू स्माइल, यू नो, हमेशा लगे गेस्ट को कि हम लोग वेलकमिंग है। जब हम किसी गेस्ट से बात करते हैं तो हमें अपनी नोज टच नहीं करनी चाहिए, ऐसे से करके कान नहीं खुजाना चाहिए, कुछ ऐसे खुजन खुजन नहीं करना चाहिए, यू नो, स्क्रैचिंग। अगर आपको कुछ अनकंफर्टेबल है, जस्ट गो बिहाइंड, आप बैक एरिया में जाइए, अपना जो भी अनकंफर्टेबल है उसको आप ठीक करिए, एंड देन यू कम टू दी फ्रंट एरिया। वेरी इंपॉर्टेंट, छींकना, खांसना, स्नीज करना इन फ्रंट ऑफ दी कस्टमर, नॉट एक्सेप्टेबल। ये मैंने अपने पहले की वीडियो में बताया था कि इफ़ यू आर नॉट वेल यू प्लीज टेक अ ब्रेक, बट नॉट एक्सेप्टेबल कि आप बीमार हैं और आप गेस्ट को भी फील करा रहे हैं कि यहाँ पर मतलब हम ऐसी जगह जा रहे हैं या बीमार लोगों से काम कराते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेजेंट होना चाहिए। एक हमारा तरीका होता है कि हम सब इंडिया में रहते हैं तो हमको बेसिकली नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार कैसे करते हैं, नमस्कार स्टाफ हाउ दे डू, नमस्कार स्माइल करते, ठीक है। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को अपने डे टू डे में ध्यान रखनी चाहिए। और जब आपका सारा ग्रूमिंग आपकी बॉडी का हो गया, फिर आपको अपने यूनिफॉर्म पर ध्यान देना चाहिए, या जो अगर आप अपने पर्सनल कपड़े पहन के आ रहे हैं तो जो भी आपकी शर्ट हो, इट हैज़ टू बी क्रिस्प, लाइक दिस, क्रिस्प होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। ट्राउजर, शूज हैज़ टू बी पॉलिश, क्लीन, ब्लैक होने चाहिए, कोशिश करके। कोई भी चौड़ा बेल्ट हमें नहीं लगाना चाहिए जो कि जैजी सा हो, सिंपल। अगर आपको बेल्ट लगाना है तो बिल्कुल थिन, सेम कलर ऑफ द पैंट। हमको हमेशा शूज जो है वो ब्लैक पहनने चाहिए, और डार्क ब्राउन भी पहन सकते हैं हम अगर हमारी यूनिफॉर्म से मैच करते हैं। सॉक्स हमारे हमेशा, जो भी हमारी ट्राउजर होती है उसके कलर के होने चाहिए, ब्लैक हो, ब्राउन हो या नेवी ब्लू हो। एंड सॉक्स हमेशा फुल सॉक्स होने चाहिए, एंकल लेंथ सॉक्स नहीं चलते, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई कैप पहनते हैं या कुछ पहनते हैं, वो नॉट अलाउड, नो नो है उसके लिए। सो दीज आर वेरी स्मॉल एंड वेरी यूजफुल टिप्स, आई थिंक आप सबको आने चाहिए। बॉयज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दे शुड शेव एवरी डे, उनको एवरी डे अपनी दाढ़ी ज़रूर बनानी चाहिए, मूछें जो हैं वो ट्रिम होनी चाहिए। अगर कोई सरदार जी हैं वो कनेक्ट करते तो वो पग बांधते, बट उनको भी दाढ़ी में वो लगा के पट्टा वट्टा बांध के उसको बिल्कुल अच्छे से करना चाहिए ताकि वो बाल उनके ना आए। अगर गर्ल्स के बाल आगे आ रहे हैं तो दे शुड यू नो क्लिप देम प्रॉपरली, लाइक सी द गर्ल्स हाउ दे आर क्लिपिंग देयर हेयर्स। एंड हेयर कट आपका ऐसा होना चाहिए जैसे ये है, जस्ट टर्न योर फेस रवि, हाँ सी, इट शुड नॉट बी फंकी। आजकल मैंने देखा है कि वो यहाँ से टोपी सी, यहाँ से कटोरा रख के कटा लेते हैं, एंड वो ऐसे से बाल खड़े कर लेते हैं, लड़कियाँ बाली पहन लेते हैं, विच लुक्स वेरी शेबी, बहुत शेबी लगता है, वो अच्छा नहीं लगता। बाहर कुछ भी करिए, बट वेन यू आर एट वर्क यू शुड एटलीस्ट मेंटेन सर्टन काइंड ऑफ ग्रूमिंग, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब लोगों को
समझ में आया वैल्यू ऑफ ग्रूमिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड कोई भी आप लोग के सजेशन हो आप जरूर बोलिए। अगर आपको मेरी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है या मैं आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश, तो आप हमेशा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बट ट्राई टू बी डिसेंट इन कमेंट बॉक्स इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। सी मैं जो भी कुछ बना रही हूँ वो आप लोग के लिए बना रही हूँ, आप लोग के नॉलेज के लिए बना रही हूँ। आई एम शेयरिंग माई नॉलेज, सो देन यू शुड बी बेनिफिटेड इन योर एरिया। इफ यू आर इन एयरलाइन, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते हैं, बट देर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स जो कि कुछ नहीं सिखाते हैं। तो उन आप सबके लिए जो आप लोग कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, वो उनके लिए ये सब मैं बनाती हूँ, अपनी नॉलेज शेयर करती हूँ ताकि आप लोग उससे बेनिफिट उठा पाएं, फ़ायदा उठा पाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।